हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। एंड इस वीडियो में जो भाई आपको बात करने जा रहा हूँ आज पर्सनली, वो एक मेरे को लगा कि हाँ आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो क्लियरेंस दे दे, ठीक है? तो भाई आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको आइडिया मिल गया होगा कि वीडियो में क्या है। तो भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है इस बात में, ठीक है, कि क्या यूके की स्टडीज आसान है इंडिया से, ठीक है भाई? तो भाई बी यू नो केयरफुल इस बात को लेकर रहना आप लोग, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इजी मिलेगा हर एक चीज, ठीक है? हम वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं जो हमने इंडिया में फॉलो नहीं किया होता है, पहली चीज, ठीक है? जब आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन करोगे ना, तो वहां पे बहुत बारी बोलोगे कि भाई प्रैक्टिकल है, यूके की नॉलेज प्रैक्टिकल है, यूके की स्टडी प्रैक्टिकल है। अगर भाई आपको थ्योरेटिकल पढ़ने की आदत है तो आप प्रैक्टिकल अगर अचानक आओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लो कि आपको कैसा फील होने वाला है, ठीक है? डरा नहीं रहा ये रियलिटी है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग डरना मत किसी भी तरीके से, क्योंकि सोल्यूशन भी है हर एक चीज का, ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट एक आपको क्लियरेंस हो माइंड में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि यूके की स्टडी आसान है या मुश्किल है एज कंपेयर टू इंडिया। तो भाई इसको यहाँ से सोचने पे आपके ऊपर है, ठीक है, ये मैं नहीं बता सकता। जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, वो उस पे डिपेंड करता है कि इसे आसान बनाता है या इसे मुश्किल बनाता है। कॉमन सेंस में बोलो, अगर नॉर्मल बोलो, तो ना मुश्किल है और ना ही आसान है, समझ रहे हो? ना मुश्किल है ना ही आसान है। इट मीन्स क्या है कि ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना, जो प्रैक्टिकल स्टडी है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे मेरा पर्सनल कोर्स ले लो आप, उसमें 80% प्रैक्टिकल है एंड 20% ओनली रिटन एग्जाम है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? हम बोल तो देते हैं कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल स्टडी है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो प्रैक्टिकल में होगा कि भाई आपको, जैसे लेट सपोज मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरी असाइनमेंट जो भी मेरे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मिले हैं, उसमें हम मुझे क्या करना होता है ना, कि आपको जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, वो जस्ट आपको एक रफली आइडिया देते हैं। बिकॉज आप लेवल 7 पे आए होते हो यहाँ पे ना पढ़ने के लिए, तो उनका कहना है कि जो बच्चा मास्टर करने आ रहा है ना, वो पहले ही एडवांस लेवल पे होता है, तो वो उसे कुछ ऐसे रिटर्न में नहीं पढ़ाते आपको क्लास में, ठीक है? वो जस्ट एक गाइडेंस देंगे कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है और ये आपका प्रोजेक्ट है, इसे आपने टारगेट लेना है, ठीक है? तो जो भी आपका मॉड्यूल होता है ना भाई, उस मॉड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। वो एक आपको यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट सबमिशन होती है, ठीक है? इंडिया जैसे एग्जाम नहीं होते हैं रिटर्न में, मास्टर में नहीं होते हैं, कई में होते भी हैं बट मोस्टली नहीं होते हैं। मोस्टली आपको जस्ट यही देना होता है, असाइनमेंट सबमिशन होती है। तो वो जो असाइनमेंट होती है ना भाई, वो असाइनमेंट बनाने का एक तरीका है। वो असाइनमेंट मतलब क्या बताऊँ, सब कुछ असाइनमेंट ही है यहाँ पे। आपका एग्जाम, आपका रिटर्न, आपका वाइवा, ईच एंड एवरीथिंग आपका असाइनमेंट है। तो वो जो असाइनमेंट है ना, उस असाइनमेंट के लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क देते हैं वो। लेट सपोज कि जैसे कुछ भी है आपका असाइनमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी आपको एक असाइनमेंट दे दिया, जैसे मेरा था, तो मेरा पहला असाइनमेंट जो मैंने लिखा था, मतलब अपना बनाया, वो रिसर्च मेथड के ऊपर है, ठीक है? जिसमें मेरा टॉपिक मैंने उठाया है द यू नो इम्पैक्ट ऑफ सेल्स पर्सन इंटरपर्सनल स्किल्स ऑन बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज मैं इस फील्ड से यू नो रिलेट करता था, इसकी वजह से मैंने ये उठाया। तो आप सपोज करो इसी तरह से आपने उठा लेना है, तो यहाँ पे आपको दो तरह से बनाना होता है असाइनमेंट भाई, ठीक है? असाइनमेंट पे आप दो तरह का डाटा यूज कर सकते हो, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है? तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, वो आपको प्रैक्टिकल वे से निकालना पड़ता है। इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो दे दूंगा आपको कि हाउ टू मेक असाइनमेंट इन हिंदी, ठीक है? एक भाई का रिक्वेस्ट भी है तो मैं जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ। तो ये चीज होता है दो तरह का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटेटिव में क्या करना होता है, फिजिकली इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेना है ना, तो आपको प्रैक्टिकली 1-to-1 लेना होगा, किसी से इंटरव्यू लेकर, किसी से टेलीफोनिक इंटरव्यू लेकर, किसी से ईमेल करके, कि आप किसी को ईमेल कर रहे हो, ठीक है, 50 जने को, 100 जने को ईमेल कर रहे हो, उसमें से 20 जने का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो एक मतलब यू नो मतलब जितना आपका टारगेट होगा उसका मीन वैल्यू लेकर आपको एक डेटा कलेक्ट करना होगा फिजिकली, ठीक है? इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव जो डेटा होगा ना भाई, वो डेटा होता है जैसे आप सेकेंडरी डाटा यूज कर लो,
किसी का सेकेंडरी डाटा, किसी भी जिस तरह का आपका होगा टॉपिक, जिस तरह का मॉड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी डाटा यूज करके अपना असाइनमेंट बना सकते हो। तो ये दो तरह का असाइनमेंट मतलब बनाने के लिए आपको डेटा यूज करने को मिलता है भाई। तो जो प्रैक्टिकली वे है ना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट और थोड़ा सा है, क्योंकि आप खुद सोचो, और वही यहाँ पे है। प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि आपको इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हो कि प्रैक्टिकली आप ये सब चीजें करो, आपके यहाँ से स्ट्रांगनेस आए, ठीक है, और आप थोड़ा यूज्ड हो जाओ अपने यहाँ के कल्चर का भी, और काम करने का आपको तरीका पता हो, ठीक है। तो वो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल वे, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उनको असाइनमेंट के रूप में बनाओ, प्रॉपर एक बुक की तरह, मतलब आपको जो 4000-5000 वर्ड का होता है वो प्रॉपर बनाओ, और ऑनलाइन सबमिशन होती है, आप सबमिट कर दो, दैट्स इट। सबमिशन के बाद आपको जो भी उनका टाइम पीरियड होता है उसमें आपको भाई मिल जाएगा आपका रिजल्ट जो भी होता है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से होती है यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडी। तो मेरे हिसाब से मतलब ना ज्यादा मुश्किल है और ना ही ज्यादा आसान है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है, जो भी पढ़ने वाला है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप जब यहाँ पे आ जाते हो तो आपको धीरे धीरे सब समझ लग जाता है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, कुछ इतनी टेंशन नहीं लगेगी। पहले स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज बिल्कुल न्यू यूज्ड टू होते हैं ना हम लोग, और न्यू बिल्कुल जो हमारी कंट्री में स्टडी कराने का पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको क्लास में ही पूरा मतलब LCD वगैरह जो भी पैनल लगे होते हैं, आपको जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना प्रैक्टिकल करके समझाने के लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। और मास्टर्स जो स्टूडेंट्स करने आते हैं मास्टर्स के लिए, उनके लिए तो भाई मतलब मान लो कि कुछ नहीं होता, जस्ट वो गाइडेंस ही देते हैं, बाकी आपको करना खुद ही होता है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये खुद ही पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। असाइनमेंट सबमिशन है, सभी को असाइनमेंट सबमिट करना होता है, जस्ट दैट्स इट। असाइनमेंट सबमिट होगी, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं रखना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा, बी प्रिपेयर। मैं जहां तक मान रहा हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग भाई मानोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी ही आएगा अगर आप सेल्फ के ऊपर सब कुछ करते हो तो, क्योंकि आपको काम भी हैंडल करना होता है, असाइनमेंट भी करना है, तो असाइनमेंट करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा वो भी है, घर का भी देखना पड़ता है, एंड योर जॉब भी, वो सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बोलूंगा मैं एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में तो आप ऐसा होता ना, जो पढ़ा आपने चेप दिया, जो पीछे से बुक से याद किया वो लिख दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगली वीडियो में बता रहा हूँ कि होता क्या है, कैसे आपको असाइनमेंट प्रॉपर एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हुआ हो भाई, अगर ऐसा कभी भी लगे ना तो भाई कमेंट में बता दिया करो कि भाई आपने ये चीज़ नहीं बताई, मेरे को ये चीज़ बता दो। मेरे से अगर जितना भी हो पाएगा ना भाई मेरे, मैं उतना जरूर करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना मेरे को पता लगेगा मैं जरूर दूंगा उस पॉइंट पे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगी आपकी ईजिली, ठीक है भाई। बाय बाय, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।